जो मैंने रेफरेंस ली है वो मैंने ली है ललिता माधव से, जो श्रीला रूप गोस्वामी ने लिखी है। तो जैसे कि आपको बताएगा, जो हिमालय पर्वत है उनकी एक पुत्री है जो है पार्वती मैया, और पार्वती मैया के हस्बैंड है शिव जी। तो जो हिमालय माउंटेन है उनके दामाद बेसिकली हुए शिव जी, और शिव जी बहुत पावरफुल है। तो ऐसे एक माउंटेन था जिनका नाम था विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत ने सोचा कि जो हिमालय पर्वत के जो दूते दामाद है वो तो शिव जी हैं, और शिव जी कितने पावरफुल हैं, मेरे को भी एक ऐसा दामाद चाहिए जो शिव जी से भी ज़्यादा पावरफुल हो। तो उन्होंने बहुत साल तपस्या करी, कड़ी तपस्या करी, तब ब्रह्मा जी वहाँ पे आए। और फिर जब ब्रह्मा जी गए वो सोचने लगे कि शिव जी से ज़्यादा शक्तिशाली तो एक ही हो सकते जो है परम पुरुषोत्तम भगवान और उनकी शक्ति। तो ऐसा ही हुआ, जो विंध्याचल पर्वत है उनको दो पुत्रियाँ हुई, एक का नाम था चंद्रावली, एक का नाम था श्रीमती राधारानी। तो ये तब का टाइम था जब जो कंस है, जो देवकी है, कंस की बहन देवकी, उसका आठवां पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण है वो गोकुल पहुंच गए थे, और वहाँ पे दुर्गा मैया आ गई थी, और दुर्गा मैया ने कंस को वार्न कर दिया था कि तुम्हारा काल ऑलरेडी प्रकट हो गया है। तो तब जब कंस ने पूतना को भेजा था सारे गांव में कि जो नवजात शिशु हैं उनका वध करने के लिए, और जो जो छोटी लड़कियां हैं उनको कंस के पास लेके आने के लिए। तो ऐसे ही पूतना ने राधा रानी और चंद्रावली को इस पर्वत के ऊपर देखा, तो उन्होंने दोनों को उठा लिया और वो कंस के पास चलने लगे। तभी जो विंध्याचल पर्वत है उन्होंने कुछ मुनियों को कहा कि आप कृपा करके मंत्रों का उच्चारण करें कि जिससे पूतना थोड़ी वीक हो जाए। तो मुनियों ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और पूतना को ऐसा लगा कि वो थोड़ा वीक हो रही है। तो उसने सोचा कि मैं चंद्रावली को फेंक देती हूँ, तो छोड़ देती हूँ। तो उसने चंद्रावली को छोड़ा और चंद्रावली गिरी एक रिवर में, और फिर वो वहाँ से एक किंग को मिली, और फाइनली फिर वो किंग ने वो वृषभानु जी को दे दी। और जो फिर वो राधा रानी को लेके जा रही थी पूतना। तो जब पूतना राधा रानी को लेके जा रही थी तो मुनियों ने मंत्रों का उच्चारण किया और पूतना और वीक होने लगी, जिससे वो राधा रानी का वीर भी नहीं उठा पाई, और उन्होंने राधा रानी को भी छोड़ दिया। और राधा रानी गिरी यमुना मैया में, और वो गिरी रावल पे, और जैसे ही वो गिरी उनके नीचे गोल्डन लोटस प्रकट हुआ, और वो कोई नॉर्मल गोल्डन लोटस नहीं था, उसके 1000 पेटल्स थे, 1000। और फिर वहाँ पे वृषभानु जी का वो जो स्थान था, वो वृषभानु जी का मेडिटेटिंग स्थान था, कि जहाँ पे वो हर दिन प्रार्थना करते थे भगवान से, मेडिटेशन करते थे। तो जब वृषभानु जी ने ऐसा देखा कि यहाँ पे कोई नवजात शिशु है, कोई छोटी सी बालिका है, तो वो सोचने लगी कि किसकी हो सकती है, यहाँ कैसे आ गई, कमल के ऊपर कैसे बैठी है। तब वहाँ पे ब्रह्मा जी ने आकाश से बोला कि तुमने पिछले जन्म में बहुत सारी तपस्या करी थी, उसके फल स्वरूप तुम्हें ये पुत्री प्राप्त होती है। तो वृषभानु जी बहुत खुश हुए, उन्होंने कीर्तिदा को बताया और उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन रखा। और फिर उसके बाद एक दिन उनके घर आए नारद मुनि। अब जब नारद मुनि आए, उससे पहले कीर्तिदा तो बहुत खुश थी, पर उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो राधा रानी थी वो थी तो बहुत सुंदर, पर वो अपने कमल जैसे जो नयन, जो नेत्र है, वो खोलती ही नहीं थी। तो कीर्तिदा सोचने लगी कि कहीं राधा रानी ब्लाइंड तो नहीं है, कि वो खोल क्यों नहीं पा रहे अपने नयन। तो एक दिन वहाँ पे नारद मुनि आए, तो उन्होंने वृषभानु जी ने उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आपका क्या कोई पुत्र और पुत्री है जिसको मैं आशीर्वाद दे सकूं। तो वृषभानु जी का एक और पुत्र था जिसका नाम था श्रीदामा। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा एक पुत्र है। तो फिर श्रीदामा वहाँ से आए, नारद मुनि उनको आशीर्वाद दिया। तो वो जाने वाले थे, पर नारद मुनि को तो पता था कि उनके यहाँ पुत्री भी हुई है जो श्रीमती राधा रानी है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी कोई आपको कोई पुत्री नहीं हुई। तो उन्होंने बहुत झिझकते हुए जो वृषभानु है उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ एक पुत्री भी हुई है, पर वो अपने नेत्र नहीं खोलती। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उससे उसको आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो फिर वो नारद मुनि को अंदर लेके गए,
तब नारद मुनि ने कहा कि मुझे कुछ समय का एकांत चाहिए आपकी पुत्री के साथ। तो ऋषभानु महाराज भाग गए, और जैसे ही वो भाग गए नारद मुनि ने राधा रानी के चरण स्पर्श करे और राधा रानी ने उनको दर्शन दिया और वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। फिर जब नारद मुनि बाहर जा रहे थे, उन्होंने ऋषभानु महाराज को बताया कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी पुत्री अवश्य ही नेत्र खोलेगी। फिर वो वहाँ से गए। अब बहुत सारे मंथ्स पास हो गए, और अब बारी थी राधा रानी की फर्स्ट बर्थडे की। राधा रानी फर्स्ट 1 ईयर्स की होने वाली थी। तो फिर जैसे अभी हम बर्थडे मनाते हैं तो हम आसपास के एक दो रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, बट तब के टाइम पे जब भी कोई आयोजन करता था बिल्कुल गांव जो राज्य है उनको बुलाते थे। तो ऐसे ही नंद गांव पे भी बुलावा गया था राधा रानी के जन्मदिन के लिए। तो वहाँ पे नंद महाराज, यशोदा मैया और कान्हा कृष्णा जी तब राधा रानी से थोड़े से ही बड़े थे, तो कृष्णा सब आए वहाँ पे। और जब वहाँ पे आयोजन चल ही रहा था और सब बहुत कार्य में व्यस्त थे, तब कृष्णा जी वहाँ पे गए राधा रानी के पास। और फिर राधा रानी ने जैसे ही कृष्णा जी को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी, ऐसे छुपके से गए राधा रानी के पास और उन्होंने उनको टच करा और राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। ये देख के जो कीर्ति दाय बहुत खुश हो गई कि फाइनली जो राधा रानी की नयन है, उन्होंने जब पहले दर्शन कर कैसे लगा था कोई लोटस है, इतने सुंदर राधा रानी के नयन थे, और वो मंत्रमुग्ध हो गई। तो फिर वो बहुत खुशी की कृष्णा की वजह से राधा रानी के नयन खुल गए। तो ये थी राधा रानी की नयन खुलने की लीला।